दोस्तों अब आप लोगों के इंतजार का पल खत्म हुआ क्योंकि आपके सामने विश्व के महान जादूगर अशोक भंडारी जी आने वाले हैं। तो दोस्तों प्लीज जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना। वेलकम मिस्टर अशोक भंडारी। कितना प्यारा बच्चा है रे। अब जो आइटम हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसका नाम है सजाए मौत। आप लोग घबराइएगा नहीं। और ये सजाए मौत देने जा रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट से पूरा विश्व जिसे गिलोटीन के नाम से जानता है, जिसने सैकड़ों क्रांतिकारियों की जान ली थी फ्रांस की खूनी क्रांति में। तो आइए देखते हैं फ्रेंच गिलोटिन। किधर गई? हमरे बचवा को खा गई। अब देख हम तो रे साथ खा कर रहे हैं। चलो भागो। इस डायन परंपरा पर कितने ही लेख लिख डाले लेकिन तसल्ली नहीं हुई। दूध पर जमी मलाई तो रीडर्स को चटवा दी लेकिन मलाई के नीचे का सच जानने के लिए मन व्याकुल हो रहा है। मैंने तुझसे पहले भी कहा था ना कि शहर में रह के गांव वालों की साइकोलॉजी, उनसे जुड़ी ज्यादतियां, उनके अंधविश्वास को समझना मुश्किल है। इसके लिए मुझे गांव वालों के बीच में जाके रहना होगा ताकि कुछ मैं उन्हें समझूं, कुछ वो मुझे समझे। और कुछ नहीं तो अपने अखबार के लिए एक जबरदस्त इनडेप्थ स्टोरी मिल जाएगी, वक्त चाहे जितना भी लगे। आर यू सीरियस प्रकाश? ऑब्वियसली आई एम सीरियस, वरना इतनी बार क्यों कहता? पर तू किस बेसिस पर जाकर गांव रहेगा और गांव वाले तुझे क्यों स्वीकार करेंगे?
यार तू भूलता बहुत जल्दी है। मेरी बीएड की डिग्री कब काम आएगी? यानी कि पत्रकार एक शिक्षक के भेष में है? झाड़ फूंक के नाम पर एक महीने में चौथी हत्या, और फिर भी उस जंगली इलाके में तुम जाना चाहते हो। तो मैं पूछता हूँ, आखिर वहां छानबीन करके मिलेगा क्या? छानबीन करना तो पापा एक रिपोर्टर का काम है ही, खाली अपना नाम देकर अखबार में खुश होना नहीं। और फिर बेकसूर औरतों की हत्या क्यों और किस लिए? समझा, तो बरखुरदार नेता बनने का भी ठेका ले लिया तुमने। हजारों साल पुरानी रूढ़िवादी मान्यताओं के बारे में तो मैं लिखता ही आ रहा हूं, और अगर पिछली सोच के घोर अंधेरे में मेरी कलम दिए के साथ साथ एक चिंगारी का भी काम कर दे तो उसमें बुराई क्या है? सुबह शाम गीता पढ़कर सुनाने वाले मेरे पिता आज मुझे मेरा कर्म करने से क्यों रोक रहे हैं? गांधी और विवेकानंद के उसूलों पर चलने की प्रेरणा भी तो आप ही ने दी थी, फिर आज ये संकोच कैसा? अगर ये गांव वालों की भलाई के लिए कुछ करना चाह रहा है तो इसे आप रोकते क्यों हैं? अपने आदर्शों का पालन करने में बुराई क्या है? ठीक है, जो जी में आए करो। नमस्ते, आओ बैठो। अरे अरे आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूं। चाय लो। क्या हाल है भाई? एडिटर साहब और जादूगर साहब तशरीफ रखिए। और गांव जाने की तैयारी हो गई पूरी? हाँ बस हो सी गई। अच्छा प्रकाश भैया, ये तो बताओ कि आप कौन से गांव जा रहे हो? मैं वो जादूगर तो तू है, तू बता। चाय गरम। अरे सुनो भैया। हाँ बाबू जी। ये झुनवाड़ा गांव किधर है? हम वही गांव के हैं बाबू। अच्छा। बस सामने 8-10 कोस आगे। 8-10 कोस और सामने? अच्छा, जाने के लिए कोई सवारी मिल जाएगी? उस गांव की बैलगाड़ी आती जाती रहती है, उसी में चले जाइए। अच्छा ये जाएगी? पूछ लो बाबू जी। ठीक है। अच्छा भाई जोहार। शंकर शंकर, कल ही टाइम हम तुमको लेने आ जाएंगे। फिर रमुक काका। ये शंकर भी एकदम पगला गया है, बिना किसी वजह डोलता रहता है, कभी शहर कभी गांव। अब वो करे भी तो कहा करे रामू काका, तुम्हें आदमी बावरा हो ही जाता है। चले रामू काका। चलो। अरे भैया झुनवाड़ा चलोगे? हाँ आओ बाबूजी, आओ बैठो। हम भी उही गांव के हैं, हमरा नाम बुधराम और ये हमरे रामू काका और ये हमरे फतेह ताऊ। और आप कौन है बाबूजी? कहीं नए मास्टर बाबू तो नहीं? मुखिया कह रहा था कि आने वाले हैं। भाई मैं वही मास्टर हूँ। अच्छा, जोहार मास्टर बाबू। मास्टर बाबू जोहार। चलिए मास्टर बाबू। आराम से आराम से। काका इस गांव में कितने शिक्षक हैं? मेरा मतलब मास्टर। मास्टर बाबू एक थो भी नहीं। और पढ़ाई? अरे भाई कैसी पढ़ाई लिखाई है, हमारे यहाँ सो जो है नौजवान बच्चे भी बेचारे, कोई गऊ चुगाता है कोई बकरी चुगाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ बच्चे ढो ढंगार बने दिन भर गाय बकरी चराते रहते हैं। आपसे पहले एक मास्टर बाबू आए थे गिरधारी लाल, वो पढ़ाते तो कम थे, आम कटहल दातून और तो और झाड़ू भी लेकर
शहर जाकर बेचते थे और बेचते बेचते हमारे झुलवाड़ा गांव का होकर भी शहर चला गया। और कमाल है, आप शहर के होकर भी गांव आए हैं, ये तो हमारे गांव की खुशकिस्मती है। बड़े भाग्यशाली। और अगर कोई चिट्ठी विट्ठी लिखवानी हो तो हम या तो रामू काका के पास जाते हैं या फिर अपने पुजारी बाबा के पास। चलो अच्छा है, इस गांव में दो पढ़े लिखे लोग तो हैं। पुजारी बाबा तो दोहे चौपाइयां भी लिखते हैं, एकदम ज्ञानी है। आप उनसे मिलेंगे तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और ले बेटा, तू भी ले दरोगा। नहीं, मुखिया साहब, आप हमारे खातिर बहुत करते हैं, कभी मेरी सेवा का मौका नहीं दिया जाता। जोहार मालिक। बोल ओझा। मालिक को नया सरकारी मास्टर आ ही गया। तो जा, जाके भर्ती हो जा। दूतों को गिनती सिखाएगा और तूतों को झाड़ फूंक भाई खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। बाथरूम का है? बाथरूम? अरे नहाने का कमरा। नहाने का भी कमरा होता है? मास्टर बाबू यहाँ तो सभी बाहर जाते हैं कुएं पर। अच्छा वो जी मास्टर बाबू इधर। ये स्कूल है। आइए, बहुत दिनों से बंद है मास्टर बाबू। आइए। मंगरा स्कूल की साफ सफाई करवानी पड़ेगी। क्या बताए मास्टर बाबू, मुखिया ने ये स्कूल को गोदाम बना के रखा, जहाँ देखो भूसा उसा भरा है। अब आप ही बताओ मास्टर बाबू, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? अच्छा किताबें वगैरह का? वो तो मंगवाना पड़ेगा मास्टर बाबू। जोहार सरकार। जोहार मास्टर बाबू। जोहार। यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा आप उसे मिल लें। हम ई गांव के मुखिया हरेंद्र बड़ाइक हैं, ये हमारे लठैत रज्जू लालू। अच्छा वो मुखिया जी आपसे मुलाकात होगी, मैं आपके पास मिलने आने वाला था। आइएगा आइएगा, कुछ दरकार हो तो बोलिएगा। नहीं बस इस स्कूल की जरा साफ सफाई करवानी है, वो हो जाए तो। वैसे मास्टर बाबू बच्चों को ही पढ़ाइएगा, सिर्फ बच्चों को, समझ गए ना? अच्छा मास्टर बाबू हम जल्दी में हैं, चलते हैं। नमस्ते मुखिया जी। जोहार सरकार। अ से अनार। अ से अनार। आ से आम। आ से आम। ई से इमली। ई से इमली। ई से ईख। ई से ईख। ऊ से उल्लू। ऊ से उल्लू। ई है ई है ई है उल्लू। शरारत नहीं। ऊ से उल्लू। ऊ से उल्लू। ऊ से ऊन। ऊ से ऊन। अच्छा कल मैंने जो एक से दस तक गिनती सिखाई थी वो किस किस को आती है? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस। बैठ जाओ और मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, तुम सुनाओ। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस। चलो बैठ जाओ, शरारत नहीं। अरुण तुम सुनाओ। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस। अच्छा कमला तुम गिनकर बताओ इस वक्त कक्षा में कितने बच्चे हैं? एक
दो तीन चार पाँच छह सात और हमरे को मिला के पूरे आठ और मास्टर बाबू तुम्हरे को मिला के नौ। और उससे पहले आ आ ई ई हमको ऐसा लाजो सिखाई थी, बेशक रामू काका और पुजारी बाबा से पूछ लो, हम झूठ नहीं बोलते। जोहार मास्टर बाबू। जोहार। ये प्रसाद लो, आशीर्वाद देता हूँ। ये लड़की पढ़ने का तो उसको बहुत शौक है, लेकिन ये स्कूल नहीं जाती। तो ऐसा करो, कल से तुम भी स्कूल आ जाया करो पढ़ने। स्कूल में हम? हाँ, और नहीं तो क्या। ये में हंसने की का बात है बिटिया, हम तो तुम्हें कब से समझा रहे हैं, पढ़ लिख लोगी तो तुम्हारे ही काम आएगा ना, और फिर शादी के बाद तुम बच्चों को भी पढ़ा सकोगी। जानते हैं, लाजो भी तो स्कूल जाती है ये मास्टर बाबू के पास। आजकल तो बूढ़े बुढ़िया भी पढ़ने लगे हैं, और फिर तुम तो ये बात सही कह रहे हैं, नारी का भाग तो शिक्षा के बिना बदलना ही नहीं, क्योंकि शिक्षित होगी नारी तो फिर उसको कौन छलेगा, शिक्षित होगी नारी तो फिर उसको कौन छलेगा, उसके आगे बढ़ने से ही ये मौसम बदलेगा, नारी ही तो आई थी बनकर झांसी की रानी, नारी की है यही कहानी। अति सुंदर, बहुत बढ़िया। ये पुजारी बाबा और रामू काका तो हमें समझाते ही रहते हैं, मैं ना पढ़ ले फिर तेरे को भी कोई नहीं ठगेगा, हम बोलते लोग ठगते तो हमरा क्या। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? इसके पिताजी तो मर गए, अब इसके घर में सिर्फ ये और इसकी माँ है बस। ओ, तो फिर कमाता कौन है? हम और हमारी माँ। लाजो आ गई। जोहार, जोहार। आशीष। सुनो लाजो, कल से इसे भी अपने साथ स्कूल लेकर आना। फिर तो बहुत मजा आएगा। हमारी बात तो टाल गई थी, पर मास्टर बाबू की बात नहीं टाल पाएगी। चल चल, मैं ना तुझे एक चीज दिखाए। जोहार, जोहार। जोहार, जोहार। बहुत भोली है मैना बिटिया। क्या चीज दिखा ना, लाजो लाजो। तू बाल काटती? हाँ, बाबू रोज छुट्टियां खींचता था, हमने सोचा ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ली दांत और ये छुट्टियां काट डाली। ये ले ली मैंना, हम तेरे लिए फिर से एक नई कमीज लेके आए हैं। एक और फिर बाबा का मुर्गा भेजिए। अब छुट्टियां नहीं खींच सकेगा। यहाँ के लोग बहुत भोले हैं, मगर इतना भोलापन भी ठीक बात नहीं, क्योंकि कोई भी इनका फायदा उठा सकता है। अरे मंगरा, ये बाहर कौन चिल्ला रहा है? मास्टर बाबू, वो कल्लू है। कल्लू? मुखिया का बेटा, जब देखो दारू पी रहता है। यहाँ के लोग शराब बहुत पीते हैं। मत पूछो मास्टर बाबू, अगर 10 कमाते हैं तो 10 के 10 दारू में घटक जाते हैं। अच्छा, आ
अच्छा कमला, इस वक्त कक्षा में विद्यार्थियों की कितनी पंक्ति है? अच्छा लाजो तुम बताओ, हर पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठे हैं? तीन। मैना की बारी, ये बताओ कि अगर पहली पंक्ति के विद्यार्थियों को दूसरी पंक्ति के विद्यार्थियों से गुना कर दें तो कितना बन जाएगा? नौ। शाबाश मास्टर बाबू, क्या मंदिर आ सकते हैं? कैसे हो? बस बढ़िया, सुना कैसा है? बस बहुत बढ़िया। कैसा अर्जुन? बढ़िया भैया, मुझे पहले बोल देता तुम्हें स्टेशन पे लेने आ जाता। अच्छा, अगर बताया होता तो हम आपको कुर्ते पजामे में कैसे पकड़ते मास्टर बाबू? बच्चों शोर नहीं, शरारत नहीं। अच्छा एक मिनट में इनको गृह कार्य दे दो, फिर बैठ के बात करते हैं। क्या मतलब? अरे होमवर्क। अच्छा राज भैया, ये तो पक्का मास्टर बन गए यहाँ पर आकर। इसी को तो कहते हैं लगन मियां। हाँ। लगन। अच्छा मैंने जो गणित का सबक सिखाया है इसकी तैयारी पूरी रखना, जल्दी इम्तिहान लूंगा मैं। ठीक है। हाँ ये मेरे विद्यार्थी हैं और ये मेरे दोस्त हैं राज जी और ये अर्जुन जी। अच्छा अभी छुट्टी होने वाली है, तुम छुट्टी के बाद मेरे दोस्तों को गांव नहीं दिखाओगे अपना? जी बना दिखाएंगे। इसी समय पर आया हम, है ना? चलिए आइए आइए। छोटा भी है भैया। अच्छा? एक घंटे में पूरा गांव देख लिया हमने। पूरा नहीं साहब, आधा देखा है। नदी के उपार तो अब गए ही नहीं। नदी मतलब मगरमच्छ? ठीक कहते हैं साहब, नदी के उपार तो एक से एक मगरमच्छ रहते हैं। क्या मतलब? मतलब मुखिया, उसका बेटा कल्लू और तो और वो बेईमान दारोगा। प्रकाश मंदरा की बातों से तो लगता है दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी इजी। हाँ वो तो है, but don't worry, तू है ना मेरे साथ? पहले तू मेरे मोबाइल का नया नंबर। हाँ बोल। 9810143528। बिना झिझक कभी भी लगाना, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। थैंक्स। प्रकाश भैया अब आप मेरा नंबर भी लिखो, पुराना नंबर। But you can call me only at night and during the day I'm very busy. हे भगवान, माँ कह रही थी कल्लू हमसे शादी करना चाहता है, पर ना तो हमको और ना ही हमारी माँ को पसंद है। पता है दिन भर दारू पी के गांव वालों को तंग करता है। लाजो भी बोली, मैं ना कल्लू से ब्याह मत करना। लाजू सही कह रही थी, तुम कल्लू से दूर ही रहना। पुजारी बाबा की बात तो आप मान ही लेंगे। अच्छा हम अब घंटी बजाएं। प्रणाम। पुजारी बाबा, जब से इन नए मास्टर बाबू आए हैं बच्चे लगन से पढ़ने लगे हैं, बच्चियां भी स्कूल जाने लगी हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा शुभारंभ है। रामू भाई एक कविता लिखी है, सुनोगे? शिक्षा पशु जैसी लोगों को भी इंसान बनाती, शिक्षित नारी ही इस धरती पर के स्वर्ग सजाती,
शिक्षा जीवन ज्योति जागरण की है सुबह सुहारी, नारी की है यही कहानी। अब वो शबनम नहीं रहेगी, अब वो शबनम नहीं रहेगी, वो अंगार बनेगी जुल्मों से लड़ने की खातिर एक तलवार बनेगी। कहो न उसको अबला, वो है दुर्गा और भवानी, नारी की है यही कहानी। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद।